अभी रिवान ने मुझसे आइसक्रीम मांगी है, तो आइसक्रीम तो मेरे पास है, बट मेरे पास एक और मामा, आइडिया है। या यू कैन हेल्प मी। ओके ओके। यस, ये पराठा आप देखिए, इस तरह से मैंने दो पड़ वाले पराठे बनाए हैं। चाय ये रिवान की है, और ये खाखरा है, मेथी खाखरा एंड अजवाइन खाखरा। और हस्बैंड को अगर पराठे हैं जैसे प्लेन पराठे, तो लहसुन की चटनी चाहिए, रेहू की चाय। और मैं मेरी चाय लेने के लिए जा रही हूँ, और हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। और आज है बाय द वे मंडे। थैंक यू। तो अभी मेरा सब काम बाकी है, सिर्फ ब्रेकफास्ट करके डाइनिंग टेबल क्लीन करके मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और मैं कर रही हूँ हेयर ऑयलिंग, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करना है। सो मोस्टली मैं क्या करती हूँ ना, या तो एक रात पहले या तो 2-3 घंटे पहले मैं हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर हेयर वॉश कर लेती हूँ। मैं जस्ट रिवान का मैंने नहलाया, और मैं जस्ट अभी अभी शावर लेके यानी हेयर वॉश और सब कुछ करके आई हूँ। तो ये रहा यहाँ पर रिवान। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। ये देखिए, जब भी आप वीडियो लेते हो ना, तो जो रियल में बारिश होती है वो आप कैप्चर नहीं कर पाते हो, आई डोंट नो वाई, बट फिर भी इसमें अभी भी तो दिख भी रही है। बट बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैं बालकनी में खड़ी थी ये वीडियो लेने के लिए, बट अंदर आ रही थी बारिश पूरी अंदर बालकनी के। और ये रहे मेरे प्लांट्स, इनको आज मैंने पानी नहीं दिया, बट बहुत ही अच्छे हो गए। देखिए दूसरे धनिया भी मैंने जो प्लांट में लगाया था अच्छा हो गया, ये तो काफ़ी अच्छा धनिया निकल गया है। तो यहाँ पर अपने मैं हेयर ब्लो ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि आज बारिश है तो धूप तो निकलेगी नहीं, तो नेचुरली तो यहाँ इसको अभी हेयर को सुखा पाना मुश्किल है। तो इसके लिए हेयर ड्रायर यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि यू नो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हीट जितनी कम हो उतना अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ आज लंच में क्या है। दाल तो ऑलरेडी आप लोगों ने देखी, दाल तो आप देख ही चुके हैं यहाँ पर। और ये है मिक्स वेजिटेबल की मैंने सब्जी बनाई है, छाछ है, रोटी है, और यहाँ पर है चावल। ये कितनी बारिश हो रही थी अभी देखिए, यहाँ पर 1-2 घंटे में तो ऐसा लगता है कि पूरी सीजन ही चेंज हो गई। कोई बोल सकता है 2 घंटे पहले बारिश हुई थी, वो भी जम के, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रिवान, लंच इज रेडी, लेट्स गो। आ जाओ आ जाओ। सारे बर्तन धुल गए, और यहाँ पर मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया। क्या बनाया है? पुलिस कार। शो में? अच्छा, इससे पहले पुलिस कार। ये बस उसका है, लियो का। ये पूरा लेके देखो बैठा हुआ है। दोपहर में अच्छी धूप निकली थी, वापस से ऐसा अभी हो गया है, तो मुझे लग रहा है शायद वापस से बारिश होगी। कल कपड़े वॉश नहीं किए थे क्योंकि इतने थे नहीं, आज मैंने किए, बट मुझे ये अंदर ही रखने पड़े। अभी रिवान ने मुझसे आइसक्रीम मांगी है, तो आइसक्रीम तो मेरे पास है, बट मेरे पास एक और आइडिया है। या यू कैन हेल्प मी। ओके ओके। मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने लेके रखा हुआ था ऑलरेडी, वो है ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अगर आपके पास फ्रोजन स्ट्रॉबेरी नहीं है, तो आप जो स्ट्रॉबेरी है उसको फ्रीजर में डाल दीजिए, फ्रेश वाली, और वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर इजीली फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज मिल जाती है, सो वो मैं लेकर आई हूँ। तो अभी मैं उससे फ्रेश आइसक्रीम बनाऊंगी, और ऑब्वियसली रेसिपी भी आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना, मैं सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स डालेगा, वो क्या है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। पहले चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से स्ट्रॉबेरी को कन्वर्ट करना है आइसक्रीम में। अभी आपको ग्रेटर ले लेना है, और अभी ये इस साइड से मैं इसको ग्रेट करूंगी। दिस इज वेरी कोल्ड, यू कैन यूज इट। ये इस तरह से मैंने ये ग्रेट कर लिया है स्ट्रॉबेरी को। ये तो ग्रेट कर लिया स्ट्रॉबेरी। अभी सेकंड इंग्रेडिएंट्स क्या है? स्टॉप। सेकंड इंग्रेडिएंट्स क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड इंग्रेडिएंट्स है ये मिल्क मेड, ये आपको लेना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है हमें। इस तरह से
थोड़ी सी ग्रेटेड स्ट्रॉबेरी डाल देती हूँ और फिर रिवान इसमें यूज करेगा. रिवान पुट सम कंडेंस मिल्क ओवर. Be careful, yes. Like this. Lisa, actually, what you will do it like this? Stop. Again, aapko? Yeah. I'm so smart. You are so smart. Yeah. But main wapis isme. लास्ट लेयर मैंने कर दिया है स्ट्रॉबेरी जो ग्रेट की थी हमने. और लास्ट में वापस से हम यूज करेंगे कंडेंस मिल्क. When it's taking so long, it turns brown. हमारी इजी 5 मिनट में बनने वाली आइसक्रीम रेडी हो चुकी है हमारी, वो भी स्ट्रॉबेरी. और अभी भी अगर आप ये दो इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे बस काफ़ी है आइसक्रीम के लिए. बट इसके ऊपर अगर आपको चार चांद लगाने हैं सो आप यूज़ कीजिए चॉकलेट सॉस. स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट इज मेड मेड इन हेवन. सो मैं यूज कर रही हूँ चॉकलेट सिरप भी उसके ऊपर. गाइस मम्मा जस्ट मेक ब्राउन. I'm sorry, Ami. Light brown. How is it? Good. Good? Yeah, and amazing. You should eat like this. You're my amazing mom. First. Yeah, I love eating it? Ice cream. Such it. You want? Husband bhi isme se thodi ice cream lekar chale gaye hain. I love you too. Let me also taste how is the ice cream. Did I end up helping you? Yummy. Right? Yeah. Just kuch nahi karna bas. Mom, because you're so fast. Husband ko bhi kafi achhi lagi. Mujhe bhi kafi achhi lagi. तो अभी मैं क्या करती हूँ, मुझे एडिटिंग करना है. ये व्लॉग अगर मुझे हो पाएगा तो मुझे अभी ही डालना है, आज ही डालना है. सो मैं ये व्लॉग की एडिटिंग कर लेती हूँ, हो पाएगा तो आज डाल दूँगी. इन फिर आइसक्रीम का देखा जाएगा कि मैं अपने और हस्बैंड के लिए बनाऊँ या नहीं, क्योंकि वो तो वैसे हस्बैंड तो लेके गए रिवान में से थोड़ी. तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, स्पेशली ये इजी पीजी 5 मिनट्स आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. हम मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड.